फंडामेंटली आई फील लाइक यूनिवर्स ऑलरेडी प्लान करके रखा है मेरे लिए हर चीज़, इज जस्ट सही टाइम पे मिल जाता है. तो वहाँ पे आई फील लाइक अपने आप गाने बनते जाते हैं, ऑडियंस को पसंद आ रहे हैं. तो दस प्लानिंग का प्रेशर नहीं है, बट काम है. आई थिंक आई स्टिल टेल हिम दैट इज वन ऑफ माई फेवरेट सॉन्ग ऑफ हिज. अभी भी वो मुझे बहुत कैची लगता है. बट ये भी सॉन्ग जब इन्होंने सुनाया तो मुझे ना बहुत अलग वाइब लगी इसकी. मतलब रोमांटिक सॉन्ग येट सच एन एनर्जेटिक अपबीट सॉन्ग, ये कॉम्बिनेशन आपको ज़्यादा देखने को मिलता है. आई फील दैट सच्चा प्यार तभी, लाइक ही सैड एंड ही मेंशन, कि आप कुछ एक्सपेक्ट मत कीजिए. आपकी तरफ से आप जितना हो सकता है उतना अगर आप प्यार करते रहोगे, इवन इफ़ यू आर नॉट गेटिंग दैट लव बैक, दैट इज़ द ट्रूएस्ट एंड प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ लव. एक्साइटमेंट तो है ही कि और अभी कितना होगा. और जब लोगों से प्यार मिलता है, आई थिंक वी ऑल्सो फील मोर मोटिवेटेड टू डू बेटर इन आवर लाइव्स, इन आवर क्राफ्ट एंड इन आवर सीरीज. हाय, दिस इज अपूर्वा. हाय, दिस इज रोमियो. एंड यू आर वॉचिंग मायापुरी. हेलो, वेलकम ऑन मायापुरी. और आज हमारे साथ है अपूर्वा एंड रोमियो. मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर दी सॉन्ग. क्या कहेंगे, किस तरह से रिस्पॉन्स मिल रहा है ऑडियंस का? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू हमको बुलाने के लिए आपके शो पे. बट एंड ऑडियंस का तो बहुत प्यार मिल रहा है. कल ही 1 मिलियन क्रॉस हुए, तो बहुत एक्साइटमेंट तो है ही कि और अभी कितना होगा. और जब लोगों से प्यार मिलता है, आई थिंक वी ऑल्सो फील मोर मोटिवेटेड टू डू बेटर इन आवर लाइव्स, इन आवर क्राफ्ट एंड इन आवर सीरीज. ओके, इस सॉन्ग की कोई स्पेशल बात आपके हिसाब से आपको शेयर करना? द मोस्ट एविडेंट मेमोरी इज मेरा और अपूर्वा का जो रोमांटिक नंबर था, जो डुएट था, दैट एंड लिप सिंकिंग हाई डबल स्पीड पे. वेल, उसमें रोमांस करना वाज वेरी डिफिकल्ट, बिकॉज ऑल आई कुड हियर वाज द सॉन्ग प्लेइंग इन 2x 3x स्पीड. सो वो ऐसे एकदम चिपमंक टाइप साउंड आता है, एंड देन यू हैव टू स्टिल डू द होल थिंग विदाउट लाफिंग, कंट्रोलिंग योर लाफ्टर. तो वो टास्क था, वो फनी भी था पर मजा भी आया. ओके, पर रोमियो काफ़ी अमेजिंग सॉन्ग्स आपने बनाए हैं और शुरुआत से ऑडियंस ने काफ़ी प्यार दिया है. तो कितना चैलेंजिंग रहता है आपके लिए वो लेवल मेंटेन करना, ताकि ऑडियंस आपकी जो है बनी रहे, आपको प्यार देती रहे? तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है ही, बट वो प्रेशर नहीं है ऑडियंस से कि ऐसा गाना चाहिए, ऐसा कुछ होना चाहिए करके. तो जो दिल से आता है एंड वो ऑटोमेटिकली आई फील लाइक यूनिवर्स ऑलरेडी प्लान करके रखा है मेरे लिए हर चीज़, इज जस्ट सही टाइम पे मिल जाता है. तो वहाँ पे आई फील लाइक अपने आप गाने बनते जाते हैं, ऑडियंस को पसंद आ रहे हैं. तो दस प्लानिंग का प्रेशर नहीं है, बट काम है एंड मज़े आते काम करने में ऐसे. was like the most stress free thing. I think first 2 days there was no tension. मतलब usually कैसे होता है कि थोड़ा time लगता है खुलने में co-stars के साथ, but इनके साथ ऐसा बिल्कुल नहीं था. I think first day we met and we clicked, we connected, हंसी मजाक हमारा उसी time पर चालू हो गया. तो इसलिए वो जो romantic part play करना था उसमें भी ऐसे awkwardness नहीं था. बहुत अच्छे से हमने smoothly shoot किया और बहुत मज़ा भी किया हम लोगों ने shoot में. बस काम काम के ऐसे लगा भी नहीं. Even though the shoot went on for a really long time, फिर भी ऐसे tiring नहीं लगा. Yeah, overall it was a fun shoot. Okay, well इस song की अगर बात करें तो dancing भी हमें अलग तरीके से देखने को मिली. आपकी chemistry काफ़ी अच्छी लग रही है, तो क्या chemistry का राज क्या है? प्यार, दोस्ती है, दोस्ती भी यार है. Also the effortless रिहर्सल्स जिसमें हम दोनों ऐसे बाद में एक एक ऑर्गन पकड़ते, लाइक पार्ट्स पकड़ते हुए जाते थे बाहर की, आज ये दर्द हुआ, आज वो दर्द हुआ. तो मेरी फर्स्ट मीटिंग में मैंने इनको वार्निंग दी थी कि मैं बहुत बकबक करता हूँ एंड मैं बहुत एनर्जेटिक हूँ, तो आपको झेलना पड़ेगा. लाइक आई होप आप भी ऐसे हो. लाइक आई विल मैनेज. वैसे तो मैं इतनी बड़बड़ वाली नहीं हूँ, बट इट केम वेरी इजी टू बी ऑनेस्ट. या अपूर्वा को सिलेक्ट करना फॉर दिस सॉन्ग, वो क्या कुछ रीजंस रहे और किस तरह से ऑन बोर्ड हुआ? ये इन आँखों में देख के नहीं. सो मैं अपूर्वा से मिला था इससे पहले जो सिंगल गाना कर रहा था मैं, तेरी हर अदा, उसके ऑडिशंस के टाइम पे. एंड शी वॉज प्रॉब्ली द ओनली वन जिसने गाना सुन के, शी वॉज सो एक्साइटेड, शी वॉज लाइक ओ दिस सच अ नाइस सॉन्ग. एंड वहाँ पे एज एन आर्टिस्ट यू फील लाइक यू वॉन्ट टू वर्क विद पीपल जिसको आपका आर्ट पसंद भी है. एंड शी हैड दिस होल वाइब एंड शी एंटर्ड द मीटिंग रूम, वेरी क्यूट एंड वेरी बबली, इनोसेंसी लड़की. तो ये लगा था ऐसा कोई गाना होना चाहिए जहाँ पे कुछ मॉडर्न हो बट लाइक ओल्ड स्कूल लव भी दिखा रहे,
तो वहाँ पे जब गाना बना तो एक ही पिक्चर के दिमाग में दैट वाज ये नाखों की, तो मैंने बोला इनको ले। आपके लिए किस तरह से इस प्रोजेक्ट को हाँ करना, हाँ, I'll do it, हाँ. चांस ही नहीं दिया हमने वो भी बात है, मुझे आते ही पता चल गया अच्छा वी आर डूइंग इट। बट जो इन्होंने बोला पहला सॉन्ग, आई थिंक आई स्टिल टेल हिम दैट इज वन ऑफ माय फेवरेट सॉन्ग ऑफ हिज, अभी भी वो मुझे बहुत कैची लगता है। बट ये भी सॉन्ग जब इन्होंने सुनाया तो मुझे ना बहुत अलग वाइब लगी इसकी, मतलब रोमांटिक सॉन्ग येट सच एन एनर्जेटिक अपबीट सॉन्ग, ये कॉम्बिनेशन आपको ज़्यादा देखने को मिलता है, मतलब वो रोमांस और इसका परफेक्ट कॉम्बिनेशन दिखा मुझे, इसलिए आई वाज लाइक कि या लेट्स डू इट, कि दिस इज़ अ वेरी नाइस प्रोजेक्ट, सो मैंने हाँ कर। ओके, वेल आपके गानों की बात करें रोमियो, तो अपनी ज़िंदगी की झलक उस पर ले उसमें लेके आते हैं, अपनी ज़िंदगी से जुड़ी चीज़ों से लोगों को रूबरू कराते हैं अपने ऑडियंस से, तो क्या रीजंस है आपके इस तरह के कंटेंट बनाने के लिए? सो कभी ऐसा कोई गाने बने नहीं है जहाँ पे एक पर्सनल लाइफ एक्सपीरियंस नहीं हो, तो आई फील लाइक आर्ट भी आता वहीं से जहाँ पे पर्सनल लाइफ एक्सपीरियंसेस हो, तो वहाँ से एक फीलिंग निकलती छोटी सी कि प्यार है या फिर हार्ट ब्रेक है या फिर एक तरफा प्यार है या फिर लाइक बचपन वाला प्यार है, तो वहाँ से निकलती हैं चीज़ें, तो वही बात थी। एंड आई फील लाइक ऑडियंस को जितना मैं ऑनेस्टली बता पाऊँ कि मेरी लाइफ में क्या चल रहा है एंड मैं इन फीलिंग्स को लेकर क्या फील करता हूँ, लव को लेकर एक तरफा प्यार को लेकर क्या फील करता हूँ, एंड आई फील लाइक इट हैज़ चेंज्ड ऑल्सो फितूर के बाद। पहले एक तरफा प्यार यूज़ टू बी लाइक पागल है ये, उसकी पीछे क्यों पड़ा है, एंड पहले ऐसा होता था कि लड़के मैसेज करते थे कि मेरे को प्यार, तुमको प्यार क्यों नहीं है, बट मेरा होल मैसेज वो कि तुमको किसी से प्यार हो सकता है पर उनको तंग की ज़रूरत नहीं है, रिटर्न में कुछ मत मांगो, दैट इज़ रियल लव। तो आई फील लाइक दैट माय पर्सनल फीलिंग्स आई कैन शेयर विद माय ऑडियंस, तो उससे बेटर फीलिंग क्या है मेरे लिए। सच्चा प्यार तभी, लाइक ही सैड एंड ही मेंशन कि आप कुछ एक्सपेक्ट मत कीजिए, आपकी तरफ से आप जितना हो सकता है उतना अगर आप प्यार करते रहोगे, इवन इफ़ यू आर नॉट गेटिंग दैट लव बैक, दैट इज़ द ट्रूएस्ट एंड प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ लव, क्योंकि वो सेल्फलेस लव बन जाता है। वरना आजकल सब किसी चीज़, मतलब यू नो इट्स लाइक अ ट्रांजैक्शनल थिंग विच हैपेंस, कि हाँ मुझे ये चाहिए इसलिए मैं प्यार कर रहा हूँ, आपसे ये चाहिए, ये कॉन्सेप्ट खूबसूरत हो इससे प्यार कर, हाँ ये कॉन्सेप्ट मुझे सही नहीं लगता। ओके, वेल और क्या कुछ अपकमिंग प्रोजेक्ट्स है अगर आप शेयर करना चाहें फैंस से, व्यूअर्स से? सो मेरे लिए तो एल्बम के बाद मैं छुट्टी लेने वाला था, बट ऐसा मेरे को ऐसे कुछ हालात दिखने रहे छुट्टी वाले, बिकॉज आई फील लाइक वो खुशी है कि ऑडियंस ने इतना पसंद किया तो और काम करने का मन कर रहा है, तो 2-3 सिंगल सॉन्ग्स हैं, उसके बाद देयर इज वन मोर एल्बम जिसमें प्रॉब्ली 12-14 गाने होंगे, तो उस पर तैयारी चल रही है एंड ऑलरेडी प्लानिंग भी चल रही है कि आगे म्यूजिक वीडियोस की, तो वो प्रिपरेशन है। ऑडियंस को इतना पसंद आई केमिस्ट्री तो उसे लगा कि वापस करना चाहिए। Yes, one of the project which is in queue is with him, और बाकी भी चालू है, let's see, और what all life gets, and I'm always open to experimenting in new roles, so I'm just gonna keep on doing what I can do, and let's see how it goes. Great, thank you so much आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, and बहुत बहुत मुबारकबाद भी, गाना इतना लोगों को पसंद आ रहा है, बहुत अच्छा लगता है जब लोग हमारे काम को सराहते हैं, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे फैंस को अपूर्वा एंड रोमियो? वेल थैंक यू, आपने इतना प्यार दिया गाने के लिए, ऐसे ही प्यार आप हमेशा देती रहिए। आपने एज एन आर्टिस्ट मेरे को इतना प्यार दिया है एंड एज रोमियो इंडिविजुअल इतना प्यार दिया है, इतना पसंद किया है, तो आई फील ब्लेस्ड एवरी डे जिंदगी में, एंड आई होप कि आप आगे भी इतना ही प्यार दें। थैंक यू।